उसके हल्कापन होगा झांकी, बाकी कार्यक्रम की रूपरेखा भगवान है, भगवान की। बाकी हमारे जितने भी बड़े अभिभावक यहाँ बैठे हैं उनके पास इसका तजुर्बा बड़ा है, हमको दौड़ने का होगा, भागने का होगा। आजमगढ़ जिले में ब्राह्मण समाज कल्याण परिषद के पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी सदस्यों की एक बैठक बुधवार को सिधारी स्थित अनुपम वाटिका में की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए अध्यक्ष ब्रजेश नंदन पांडे ने बताया कि अक्षय तृतीया 22 अप्रैल दिन शनिवार को चंद्रमा ऋषि के आश्रम पर स्थित भगवान परशुराम के मंदिर पर सुबह से ही भगवान परशुराम की जयंती मनाई जाएगी। इस अवसर पर जनपद के प्रतिभाशाली छात्रों एवं वरिष्ठ जनों को सम्मानित भी किया जाएगा। इस दौरान अध्यक्ष पांडे ने सभी स्वजाति बंधुओं से आग्रह किया कि सायंकाल सभी ब्राह्मण परिवार अपने दरवाजे पर 5 दीप प्रज्वलित करें। कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्रजेश नंदन पांडे तथा संचालन महामंत्री मनोज कुमार त्रिपाठी ने किया। बैठक के दौरान महामंत्री मनोज कुमार त्रिपाठी, सतीश कुमार मिश्र, बाल गोविंद शास्त्री, गिरीश चतुर्वेदी, गोविंद दुबे, कृष्ण कुमार पांडे, भागवत प्रसाद तिवारी, अशोक पांडे, कृष्ण मोहन पांडे, सुभाष पांडे, दिनेश तिवारी, श्रीश पांडे, आनंदमणि पांडे, अनूप पांडे, परमानंद पांडे, हरिचरण पांडे, राकेश कुमार पांडे, अध्यक्ष ब्राह्मण समाज कल्याण परिषद आजमगढ़। आज ब्राह्मण समाज कल्याण परिषद कार्यकारिणी के सदस्यों पदाधिकारियों की बैठक आहूत की गई है, जिसका मुख्य विषय है कि 22 तारीख को भगवान परशुराम जी की जयंती है। भगवान परशुराम जी की जयंती मनाने के संदर्भ में विचार विमर्श करने के लिए बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में तय हुआ कि 22 तारीख को भगवान परशुराम जी की जयंती चंद्रमाशी आश्रम पर, जो ब्राह्मण समाज कल्याण परिषद द्वारा भगवान परशुराम का जी का मंदिर बनाया गया है, उसी मंदिर पर कार्यक्रम होगा और कार्यक्रम सुबह मनाया जाएगा और उसमें सर्वप्रथम पूजन अर्चन कार्यक्रम होगा और उसके बाद फिर, चूँकि हम लोगों का विचार तो झांकी निकालने का था लेकिन चुनावी अधिसूचना जारी हो गई है, इस नाते परमिशन न मिलने के कारण झांकी वाला कार्यक्रम स्थगित किया जाता है। पूजन अर्चन होगा, प्रसाद वितरण होगा।